तो मैं उसमें तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि मैंने अपने Redmi 5A डिवाइस में एक को नया GSI रोम को इंस्टॉल कर लिया है जो कि Android 9 पे बेस्ड है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इसमें MIUI 10 Android 9 बेस्ड है और ये जो रोम है ये MI Max 3 का रोम है। इस रोम को ये GSI रोम है, इसको कैसे इंस्टॉल करना आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा और इस रोम में आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं ये भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरा वॉच करना अगर आप ये रोम इंस्टॉल करना चाहते हो, तो पूरा से पूरा इस वीडियो को देखना। अगर आपको इसी तरह और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरा वॉच करना, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए यार बिना वक्त हुआ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं भाई ये जो यहाँ पर मैं आपको अबाउट फोन में लेके जाता हूँ, यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर लिखा डिवाइस नेम Redmi 5 है, इसको तो आप चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर MI फोन लिखा हुआ आता है और ये जो रोम है ये MI Max 3 का, ये एक GSI रोम है। एंड्रॉयड वर्जन 9 देखने को मिल जाता है, इसीलिए मैंने इस रोम को इंस्टॉल किया है क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते होंगे कि उनको MIUI 10 में एंड्रॉयड 9 का सपोर्ट देखने को मिले Redmi 5A डिवाइस पे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखते हो सिक्योरिटी बैज आपको यहाँ पर जून का देखने को मिलता है, यानी कि 6 का देखने को मिल जाता है। MIUI 10 पर 3.3.0 अपडेट MI Max 3 में हो सकता है कि ये अपडेट हो, तभी इस रोम को पोर्ट किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इसके फीचर्स की। सबसे पहली चीज मैं बता दूं इसमें आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, यही रोम रहेगा क्योंकि ये एक GSI रोम है। तो GSI रोम को कैसे इंस्टॉल करना ये मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं यहां पर आपको सिम कार्ड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा भाई डुअल 4G का, जो कि बहुत से लोग चाहते हैं डुअल 4G हमारे Redmi 5A डिवाइस में आए तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर बता हमारे Redmi 5 का जो हार्डवेयर है वो डुअल 4G को सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए ये जो डुअल 4G है ये ओनली फॉर शो पीस के लिए भाई ये दिखाया हुआ है, चलता नहीं है। थोड़ा बहुत टेस्ट किया भाई मैंने, पूरा टेस्ट नहीं किया, हो सकता चलता भी हो, लेकिन जैसा कि बता भाई मैंने कल पूरे दिन वीडियो नहीं डाला, आज वीडियो डाल रहा हूँ भाई, मैंने इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, थोड़ा बहुत टेस्ट करा के जितने भी बग वगैरह मिले वो मैं आपको बता दूंगा। जो नए फीचर आपको देखने मिले वो मैं आपको बता दूँगा। ये वोल्टी का फीचर है, आप देख लेना भाई आपको वर्किंग लगता है कि हाँ वर्क कर रहा था, ठीक है। वैसे मैंने इसको वर्क किया, नहीं वर्क कर रहा था, तो पहली चीज़ ये है कि जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन मोटिव है कि इस रोम में आपको नए नए फीचर, तो पहली चीज़ जो है इसमें आपको एंड्रॉयड पाई देखने मिल जाती है और बहुत सी चीज़ जो इस चीज़ को मांगते हैं वो है भैया डार्क मोड। यहाँ पर आप देख सकते हो डार्क मोड इसमें आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, हर जगह आपको डार्क देखने को मिल जाएगा जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ चीज़ हमें आपको यहाँ पर डार्क देखने को मिल जाएगा जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो डार्क मोड को, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। आप बताना कि आपको किस तरह लगा, डार्क मोड अच्छा फीचर है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डार्क मोड बंद भी हो चुका है, तो इस तरह के आपको फीचर देखने को मिलते हैं। और बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फेस अनलॉक की, तो बहुत से लोग चाहते होंगे कि फेस अनलॉक का फीचर, तो फेस अनलॉक भी इसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड पे जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई इसमें जो फेस अनलॉक है ये वर्किंग नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो फेस अनलॉक है, यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है, कैन यहाँ पर कुड नॉट लोड कैमरा। तो मैं एक चीज़ बता दूँ ये फेस अनलॉक वर्किंग है, लेकिन यहाँ पर ये बग है कि इसमें भाई जो कैमरा एप्लीकेशन ही नहीं दिया गया है, यहाँ पर कोई भी कैमरा एप्लीकेशन इसमें नहीं दिया जाएगा, आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप ही डाउनलोड करना पड़ेगा तब आप कैमरा को यूज़ कर पाओगे। तो जब आप थर्ड पार्टी ऐप को डालोगे तब हो सकता है कि आपका जो कैमरा है यानी कि फेस अनलॉक है वो वर्किंग करे, इतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बट ये था कि यार मैंने ज़्यादा रोम को टेस्ट नहीं किया, अगली बार कोई रोम बनाऊंगा तो उसमें ज़्यादातर टेस्ट करूँगा, इतना टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। तो जो जो मेन फीचर है मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको बाकी सारी चीज़ें सेम कुछ देखने को मिलेगी जिस तरह आपका MIUI 10 में देखने को मिलती है अपने Redmi 5A डिवाइस में, सब कुछ वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपको नए नए फीचर देखने को मिलते हैं। फुल स्क्रीन गेस्चर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 बटन्स आप ये मैंने लगाए हुए हैं, यहाँ पर फुल स्क्रीन गेस्चर हो जाएगा जो कि बहुत अच्छी तरह से वर्किंग करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करते हैं। बात करते कुछ और नए फीचर्स की, तो यहाँ पर अभी मैं और दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर और क्या नया देखने मिलता है। फुल स्क्रीन गेस्चर मिल जाता है और बाकी यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैंने सोचा था यहाँ पर डुअल क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन भाई यहाँ पर आपको डुअल क्लॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिला, तो वो भी फीचर नहीं है क्योंकि वो ओनली फॉर बीटा में आया था और बाकी नहीं आया था। तो ये कुछ फीचर्स थे जो जो मेन थे, तो वो मैंने आपको बता दिया। और बाकी हम बात करते हैं कुछ अलग फीचर की, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब आप भाई फेस अनलॉक वगैरह का इनेबल कर लोगे तो आपको ऐप लॉक के अंदर भी फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखते हो फेस का पूछ रहा है, लेकिन हमारे इस डिवाइस में भाई फेस अनलॉक का ऑप्शन है तो, लेकिन भाई वो
ऐप नहीं है इस वजह से, यानी कि कैमरा ऐप नहीं इस वजह से भाई फेशियल लॉक सही से हो नहीं रहा, तो आपको फेस ऐप डालना पड़ेगा, यानी कि कैमरा ऐप कोई भी गूगल का डाल लेना, उसके बाद आपका फेशियल लॉक वर्क करेगा। यहाँ पर आते जैसे फेशियल लॉक वाला है, आप इसको चालू करके फेस डिटेक्ट करवा सकते हो, यहाँ से अपना पासवर्ड डाल के फेस डिटेक्ट कराने के बाद भाई आपका फेशियल लॉक ये भी वर्क करने लग जाएगा। तो ये कुछ चीज़ फीचर थे। अगले फीचर की बात करें बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने थीम ऐप को खोल लिया है। यहाँ पर ये जो थीम ऐप है यार थोड़ा सा लैग करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा लैग करता है, यहाँ पर वर्किंग कभी कभार वर्क करने लग जाता है, कभी कभार नहीं करता है, पता नहीं क्या है, क्योंकि भाई ये GSI रोम है, तो GSI रोम में भाई ये सारे बग आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह के बग देखने को मिल जाएगा आपको इस रोम में। तो अगर इस चीज़ का भी फिक्स मेरे को मिलता है इन फ्यूचर में तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ये रोम इंस्टॉल करनी है तो भाई आप कर सकते हो टेस्टिंग पर्पज़ के, यानी कि एंड्रॉयड पाई डालने के बाद आपका रोम किस तरह चलेगा। बस ये कि कुछ चीज़ों में भाई यहाँ पर ये हमारा फ़ोन जो लैग कर रहा है, अदरवाइज ये लैग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये थीम ऐप ओपन ही नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ थीम ऐप में एक चीज़ नया है कि आपको बूट एनिमेशन एंड बूट ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह के फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैमरे में गैलरी में, यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाऊँ, यहाँ पर कोई गैलरी में कोई फोटो वगैरह नहीं होगा शायद मेरा यहाँ पर, तो गैलरी में कोई स्काई का फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई यार ये जो रोम है ये स्टेबल रोम है, बीटा रोम नहीं, क्योंकि बीटा रोम में ही भाई ओनली फॉर स्काई मोड का फीचर आया था। तो यहाँ पर आप देख लो यार अभी तक भी ये जो हमारा थीम ऐप है ये ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख लो 3D टच भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो मेन फीचर थे वो था भाई एक एंड्रॉयड पाई आपको देखने को मिल जाता है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ, डार्क मोड देखने को मिल जाता है ये काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डुअल 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि हो सकता है वर्किंग करे, लेकिन मैंने भाई इसको यूज़ किया वर्किंग नहीं था। और कुछ बग की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राइटनेस बग है इसमें, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी ये बग है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट वगैरह ये भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये एक GSI रोम है इसलिए भाई ये वर्किंग नहीं है। और सबसे मेन बात बता दूँ, ये सारी चीज़ें वर्क भी करने लग जाएगी अगर कोई विंडर अच्छी तरह से मिल जाए, क्योंकि इस रोम में हमें विंडर फ्लैश करना पड़ता है तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर आपको यूज़ करनी है तो भैया आप यूज़ कर लेना, वैसा तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा नहीं कि भाई आप इस रोम को इंस्टॉल करो, वरना यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह के आपको बग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से भाई ये चल रहा है ये वाला रोम, क्योंकि भाई ये GSI रोम है, तो GSI रोम में भाई कुछ इस तरह ही होता है। तो ये रोम बस मैंने इसलिए डाला क्योंकि MIUI 10 में एंड्रॉइड पाई देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी आपके फोन में TDRP रिकवरी हो उसको इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले मैं बता दूँ भाई ऑरेंज फोक्स TDRP रिकवरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑरेंज फोक्स ही ट्रेवल को सपोर्ट करता है। तो आपको सिंपली वो इंस्टॉल कर लेनी है, ओनली फॉर ये वही लोग रोम इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि भाई नोगट वाली ओरेंज फोक रिकवरी को यूज़ करते हैं। ओरियो पे जितने भी लोग हैं वो रोम इस रोम को यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि जितने भी लोगों ने भाई नोगट वाले TDRP रिकवरी से इसको इंस्टॉल किया है वही लोग इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर अदरवाइज आप पिक्सल या कोई भी Xiaomi.eROM या कोई भी अदर रोम पे हो तो आप इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं बता दूँ Android 10 यानी कि MIUI 10 ओरियो पर नहीं होने चाहिए बस, आप बाकी किसी भी रोम पे हो तब चलेगा। सिंपली सबसे पहले आपको करना क्या, यहाँ पर मैं बता दूँ वाइप में जाना है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट में जाना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्मेट कर देना है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपका फॉर्मेट डेटा हो जाएगा सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है वाइप में जाना एडवांस, यहाँ पर आपको जो जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वही आपको सबको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको इंटरनल माइक्रो कार्ड और USB यहाँ पर OTG छोड़ देना, बाकी सबको यहाँ पर भाई फॉर्मेट कर देना। आप इंटरनल को भी कर सकते हैं क्योंकि भाई इंटरनल फॉर्मेट में ही आपका डिलीट हो जाएगा। अब सिंपली आपको करना क्या, स्टोर पर क्लिक करना है और मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी फाइल और डाउनलोड करनी है। तो ये जो तीन फाइल है 1, 2, 3 इनका मैं एक जिप बना के दूंगा आपको, इसको अनजिप करके ये तीनों फाइल अपने बाहर ही डाल देना है मेमोरी कार्ड में, इंटरनल में मत रखना कुछ भी, क्योंकि इंटरनल जो आपका पहले ही फॉर्मेट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ आपकी बाहर आ जानी चाहिए। यहाँ पर जैसे तीनों बाहर है एक फोल्डर दूंगा, तीनों को एक्सट्रैक्ट किया कर लेना, यानी कि अनजिप करने के बाद बाहर डाल देना। सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे ये लिखा यहाँ पर LOS LOS 16 विंडर Redmi 5 है, सबसे पहले आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना। तो ये आपका कम से कम 1 से 2 मिनट लेगा, आपको इसको होने देना, जैसे ही होता है उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो चुका, सिंपली आपको होम पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर अब मैं आपको एक फाइल और दूंगा इन तीनों के अलावा जो होगा वो इमेज फाइल। तो यहाँ पर आप सिंपली आपको इमेज पे क्लिक कर देना, फिर आपको ये वाला फाइल दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर लिखा MI Max 3 ग्लोबल,
तो इस रोम का भी भाई मैं जिप दूंगा, इसको भी अनजिप करने के बाद आपको अपने एसडी कार्ड में डाल देना है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद सिस्टम पे क्लिक कर देना, स्वाइप टू इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। तो ये दो जिप मिलेगी, दोनों को अनजिप करने के बाद चार फाइल हो जाएंगी टोटल। टोटल की टोटल आपको अपने रेडमी 5A डिवाइस में इंटरनेट में मत डालना भाई, एसडी कार्ड में डाल लेना। एसडी कार्ड आपके पास होगा नहीं है तो भाई खरीद लो, क्योंकि भाई इस चीज़ में, इस प्रोसेस में आपका जो इंटरनल मेमोरी कार्ड है वो भैया पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, पहले मैं बता देता हूँ। तो इस प्रोसेस को भी होने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा, तो इसको भी होने देना। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी आपका चलता हुआ कुछ दिखाई नहीं देगा कि आपका इंस्टॉल हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन बैकग्राउंड में हो रहा है तो 1 से 2 मिनट लेगा, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसको भी होने देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको आगे करना क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फाइल है ये भी फ्लैश हो चुका है। सिंपली अब आपको होम पे क्लिक करना, इंस्टॉल पे क्लिक करना, और ये जो दो फाइल है आपको सिंपली इनको भी इंस्टॉल कर लेना है। पहले परमिशन वाले को इंस्टॉल कर लेना है, तो ये भी कम से कम 1 से 2 मिनट लेगा। इसको होने के बाद जो आपका सेकंड फाइल है उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इन दोनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। पर आप देख सकते हो ये भी इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली एक और बार इंस्टॉल पर क्लिक करना है। और जो भाई ये यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन वाला फिक्स है, इसको भी सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो ये भी इंस्टॉल होगा, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 से देख सकते हो कितनी जल्दी हो गया, 10 सेकंड लगा है। सिंपली अब आपको रिव्यूट पे नहीं करना है, सिंपली होम पे जाना, वाइप में जाना है, यहाँ पर आपको वाइप में चले जाना है, यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है, फिर दोबारा यहाँ पर आपको टिक कर देना, यहाँ पर आपको यस टाइप होगा, अगर नहीं है तो यस लिख देना, उसके बाद जाके ओके पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट डाटा वो हो जाएगा। सिंपली अब आपको रिव्यूट पे टैप कर देना है। तो अब मैं आपको बता दूं, आपको देख सकते हो यहाँ पर ऐप का MI लोगो आएगा। तो यहाँ पर अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसमें आपको इंस्टॉल होने के बाद एक बग दिखेगा, उसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MI लोगो आ गया है, यहाँ पर हमारा MI यहाँ पर 3 डॉट्स भी आ जाएगी, यहाँ पर 3 डॉट्स आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रोम है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर हमारा बूटिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे 3 डॉट्स भी आ चुके हैं, MI लोगो भी आ चुका है। तो इस प्रोसेस में कम से कम 5 से 10 मिनट लगेगा, तो इसको भी मैं पूरा होने देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो रोम है सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, और फर्स्ट लुक इसका कैसा होगा और आपको क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी। तो एक छोटा सा बग है, उसको फिक्स करना है, तो मैं इसको होने देता हूँ, 5 से 10 मिनट ये भी ले लेगा, तो प्लीज़ अपने फोन को छोड़ देना। तो मैं इसको होने देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो जो हमारा रोम है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, आपको फर्स्ट लुक कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि आपको एक बग देखने को मिलेगा, वो है कि इसका डिस्प्ले साइज, इसको फिक्स करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर अबाउट फोन में चले जाना है, यानी कि सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में जाने के बाद MIUI वर्जन पे आपको टैप करना है, डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है। ये इनेबल करने के बाद सिंपली आपको एडिशनल सेटिंग्स में चले जाना है। तो यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग्स मिलेगी, यहाँ पर जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक DPI का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको नीचे जाना है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर विंडो वाला आपको देखने को मिल चुका है। सिंपली यहाँ पर आपको एक DPI का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो शायद ऑप्शन ये रहे, यहाँ स्मॉलेस्ट विड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर DB का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जितना आप डिस्प्ले साइज रखना चाहते हो उतना रख सकते हो, मैं यहाँ पर 450 रख देता हूँ। तो यहाँ पर 450 करने के बाद यहाँ पर आप जैसे तो कुछ इस तरह से आपको इसका डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाएगा, तो आपकी मर्जी आप कितना भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 450 कर दिया है, आप 350 भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले का डिस्प्ले साइज, आपका डिस्प्ले साइज मैंने आपको पहले बताया था, जो इसका यहाँ पर वर्जन है, यहाँ पर जो नेम है वो MI फोन दिखाता है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, Redmi 5 भी लिख सकते हो, यहाँ पर MI Max 3, और ये जो रोम है सक्सेसफुली बूट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता था, तो एक बग और है इसमें, वो क्या बग है ये है कि भाई यहाँ पर आप चले जाओगे नीचे, तो यहाँ पर आपको भाई सबसे पहले यहाँ पर आपका फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको करना क्या होगा, पहले मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। आप जैसे यहाँ पर थीम्स वगैरह में जाओगे तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे, ज़्यादा ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये एक बग है, तो इसको बग को फिक्स कैसे करना है, ये यहाँ पर आप एडिशनल फीचर में जाओगे तो यहाँ पर जैसे तो रीज़न जो है हमारे चाइना बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो यहाँ पर मैं इसको फोकस कर लेता हूँ, तो भाई ये पता नहीं फोकस क्यों नहीं ले रहा है, तो एक मिनट। तो यहाँ पर ये जो हमारा चाइना सेलेक्ट है तो हमें इसे इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमारा ये इंडिया सेलेक्ट होगा नहीं। तो मैं आपको बता दूँ भाई यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी कि इसको कैसे फिक्स करें, यानी कि इंडिया कैसे करें। तो मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है लेकिन वो वर्क नहीं करता, क्योंकि वो ओनली फॉर ओरियो में वर्क करता है। उसमें मैंने क्या बताया कि आपको विदाउट रूट बताया, लेकिन इस चीज़ को फिक्स करने के लिए रूट का यूज़ होगा। आप इसको जैसे फिक्स करोगे तो आपको जो फेस अनलॉक है वो भी आ जाएगा, जो थीम का प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपने सही से वीडियो नहीं देखा, इससे पहले जब मैंने इसको बूट किया होता मैंने यहाँ पर रूट भी डाला हुआ था, रूट से मैंने उस चीज़ को फिक्स किया होता जिससे कि हमारा फेस अनलॉक भी आ गया था और थीम वाला ऐप जो था वो भी फिक्स हो गया था। तो ये चीज़ करनी, उसके बाद आप इस रोम को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये रोम अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना कि मैं इसी तरह रोम की वीडियो बनाऊँ
ये ना बनाऊँ। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।